अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अल्लाह पाक हमें अच्छा रखे, खुश रखे। और आज का जो लेक्चर हम उनका सुने वो दुआ, दुआ पे है। और यकीन बात है, दुआ ही एक ऐसा हथियार होता है इंसान का जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाता है। जब भी कोई मामला आपके हाथ से निकल रहे हों, आपको समझ में नहीं आ रहा करूँ मैं क्या, कहाँ जाऊँ, कोई बात समझ में नहीं आ रहा मुझे, कोई वे आउट समझ में नहीं आ रहा है, तो दुआ करो, यहीं से वाजे हो जाता है। अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें वो चीज़ मांगने के लिए बहुत ज़्यादा तलकीन की है, हमें दुआएं सिखाई हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ने कहा दुआ करो ताकि तुम्हें वो चीज़ नसीब हो, तुम्हें वो चीज़ मिले, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाए। वो चीज़ क्या है मैं अगर पूछूँ आपसे? हम दुआ करते हैं, हम सब करते हैं, जैसे भी हैं हम इंसान गुनहगार, हम सब गुनहगार हैं, नमाजी हैं जैसे बेनमाजी भी हैं, जैसे भी हैं मुसलमान तो है ना। अल्लाह सुबहान तआला से दुआ तो करते हैं, डेफिनेटली हम सब दुआ करते हैं। तो हमें ये देखना है ये मेजोरिटी दुआ क्या होती है। क्या हमारी दुआ सिर्फ दुनियावी होती है कि अल्लाह मुझे ये रिश्ता पसंद आ गया है, ये रिश्ता मुझे करा दे, ये और भी कुछ? तो इन दुआओं में कोई हर्ज नहीं अगर कोई पसंद आ जाए तो। इसके लिए हलाल दुआ करना अच्छी बात है। मैं हराम से बचना चाहता हूँ, हमारा निकाह हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये एक दुनियावी दुआ है। या फिर ए अल्लाह मुझे जॉब दे दे, इतनी सैलरी हो जाए, या मुझे ये दिला दे वो दिला दे, या कोई पोजीशन दिला दे, और भी बहुत सी हैं, ये सारी दुनियावी दुआ है। और इसी तरह बच्चों के बारे में माँ बाप जितनी भी दुआ करते हैं, ऑब्वियसली एक दुनियावी दुआ है कि अल्लाह इसका यहाँ एडमिशन हो जाए, इसका ज़िंदगी संवर जाए, या इसको अच्छी वाइफ मिल जाए, या इसको अच्छा हस्बैंड मिल जाए, इसका नसीब अच्छा हो जाए। हर चीज़ में कुछ भी नहीं है, ये नहीं है कि ये दुआ गलत है, ये बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि हम सब इस दुनिया में रहते हैं, हम सबको ये सब की ज़रूरत होती है। लेकिन कितने परसेंट हमारी दुआओं का ये हिस्सा होता है, या अल्लाह हमें हिदायत दे दे, या अल्लाह कल मुझे मौत आए तो सिजदों में आए, या कल मुझे मौत आए तो हिदायत पे आए, मुझे मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो जन्नत में, या ए अल्लाह मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिलना चाहता हूँ, मुझे उनका साथ नसीब फरमा, या फिर या अल्लाह मुझे किसी सहाबी के घर के करीब मुझे जन्नत में घर दे। यू आर अंडरस्टैंडिंग ना कि दुआओं का पैराडाइम ही शिफ्ट हो गया। दुनियावी तो है ही, लेकिन वो दुआ जो एक्चुअली मैटर करती है, जैसे आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ चेक करें और उनका विजन चेक करें, क्या मांगा रब से, और दुआ थोड़ी बड़ी है इसलिए हम तर्जुमा ही करेंगे। ए रब मुझे मेरे औलाद को, मेरे पूरे अहल आयाल को नमाज पे मुकीम रख। ये तर्जुमा है सूरह की। अपने लिए भी दुआ की, अपने औलाद के लिए भी की, और पुश्तों के लिए भी की। नस्ल बोलते हैं बहुत सारे आदमी, नस्ल दर नस्ल होते भी आ रहा है उस चीज़ को। मेरी पुश्तों में से कोई बेनमाजी ना आए, विजन चेक करें इस दुआ की, अपने लिए, अपने अहल आयाल के, यार आने वाली नस्लों के लिए भी कि कोई बेनमाजी ना। और हम तो मानते हैं ना दुआ बच्चों के लिए, जॉब मिल जाए तो ठीक है, दुआ अच्छी बात है कि बच्चे को जॉब लगे, क्योंकि जॉब के बिना भी तो कुछ नहीं, अच्छी जॉब मिले, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े। लेकिन इतनी दुआ, ये लोग कितनी दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मेरी औलाद, मेरी पुश्तों में से कोई बेनमाजी ना हो। नमाजी बनाना सबको, अपना फर्मा बरदार बनाना, इबादत गुजार बनाना, ए मेरे रब मेरी दुआ कबूल कर, ए मेरे रब मुझे माफ़ करना, मेरे वालदेन को माफ़ करना, और मोमिन को जो आने वाले हैं उनको भी माफ़ करना, और उस दिन हमारा हिसाब आसान लेना। दिस इज़ विजन, ये होती है लीडरशिप, और ये होती है लीडर की दुआ। कितने विजन के साथ ब्रॉड दुआ कर रहे हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट दुआ क्या थी? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही फेवरेट दुआ उनकी है, और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें हर चीज़ आ जाती है। इधर आप जो भी दीजिएगा बेस्ट दीजिएगा, और आखरत के लिए भी बेस्ट दीजिएगा।
तो दुआओं का ना थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट कीजिए। ऐ हमारे रब, गाइड कर हमें सीधे रास्ते पे, और हमें हिदायत में इंक्रेज कर, और हमें रास्ता दिखा, और हमें साबित कदम कर दे। इसमें सब कुछ आता है दुआ में। तो जब भी आपके मामलात हाथ से निकल रहे हो ना, जब समझ में आ रहा है कि मैं करूँ क्या, जाऊँ कहाँ, कोई बात मुझे समझ नहीं आ रहा, वे आउट समझ नहीं आ रहा, तो दुआ करो, दुआ के लिए हाथ उठाओ। इस तरह बहुत सी दुआ आपको नज़र आएगी, इसमें आपको विजन नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, जो फिरौन से मुकाबला करने जा रहे थे, आर्मी मांग सकते थे, वेपन्स मांग सकते थे, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दे, मुझे विजन दे दे, मैं चीज़ों को बहुत क्लियर देख सकूँ और मेरे टास्क में एस ग्रेस करूँ। हम अल्लाह सुबहान तआला से कितनी दुआ भी करते हैं और ये दुआ का तर्जुमा हम किए हैं, और अल्लाह सुबहान तआला से हम कितनी दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं सफ़र में जा रहा हूँ, मेरे लिए एस क्रिएट कर, या अल्लाह मैं ख़ानदानी मामला निभाने जा रहा हूँ, एस क्रिएट कर, मैं जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, एस क्रिएट कर, मेरे लिए बेहतरी फरमा और मेरी ज़बान की गिरत खोल दे, जो लुकनत है खोल दे, और ताकि मैं दीन की बात कर सकूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकूँ, और मेन पावर मांगे, रिसोर्ट नहीं मांगे कि पैसा दे दे, फौज दे दे, कहा कि बस एक बंदा दे दे, एक मखलिस साथी दे दे जो मेरी नबूवत में शरीक हो, हारून मेरा भाई। तो उनकी दुआ ऐसी है, और हमने देखा हमारी दुआ क्या है। तो हमने देखना है हम क्या दुआ मांग रहे हैं, क्या हम हिदायत मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, क्या अल्लाह ताला से हम हिदायत मांग रहे हैं, क्या अल्लाह ताला से हम तौफीक मांग रहे हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहा, मुझे ये डर है मेरी दुआ कबूल होगी कि नहीं, मुझे डर है कि मुझे दुआ की तौफीक भी होगी कि नहीं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं दुआ करूँगा भी कि नहीं। असल बात ये है, सही बात है, दुआ ही एक ऐसी हथियार होती है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बनाती है, दुआ से ही हर चीज़ होती है। बस इंसान को तौफीक मांगनी चाहिए और हिदायत मांगनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।